गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनता जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड वी डू नॉट वॉन्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह टू बी इन्वॉल्व इन द रनिंग ऑफ दिस कंट्री। वी डू नॉट लाइक द वे दे हैव रन दिस कंट्री। वी डू नॉट अप्रिशिएट द वे दे हैव अटैक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वी डू नॉट अप्रिशिएट द वे दे हैव रन दिस कंट्री फॉर द लास्ट 10 years। सो दैट इज ए ह्यूज मैसेज टू मिस्टर नरेंद्र मोदी। आई लाइक टू थैंक एवरीबडी हु हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस इलेक्शन। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द पीपल हु हैव रेजिस्टेड दिस ऑनस्लॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत, प्लीज चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। राहुल जी, ऑल्दो द एनडीए हैज इमर्ज्ड एज यू नो दे आर गेटिंग द मेजॉरिटी, बट सम ऑफ इट्स पार्टनर्स हैव बीन योर पार्टनर्स इन द पास्ट, इंक्लूडिंग द टीडीपी एंड द जेडीयू। सो हैव यू डिसाइडेड टू सिट इन द ऑपोजिशन और देयर आर चांसेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन बाय द इंडिया गवर्नमेंट? We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Sir. आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। सर, खड़गे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है
और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके? और